हजरत ने इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया, तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। क्या कर? उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। कितने? 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा, आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद, तो हजरत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहां से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10-11-12 आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। और मेरे भाइयों याद रखे इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाजिल कर। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं, खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं, दिन में 100। तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए। और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो जाए, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी मांग। हजरत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी। एक दिन बादशाह के दरवाजे पर भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीजाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तू हर वक्त रोती रहती है, माफिया ही मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूं। क्या माना? कहने लगी इसलिए रोती हूं कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया, कहीं मेरे सर का साई नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए, मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया, मैं रोती इसलिए हूं कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, तो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माजअल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज ना हो। खशियत थी कि जहां हम पहुंचे हुए कहीं वहां से वापिस। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले कि चल यार माफ कर दे तेरा भाई नहीं, पता क्या होता है? सिर्फ माफी नहीं मिलती। हाँ हाँ सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया, जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता है तो मेरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पर इकट्ठे बैठते, तू तेरा और मेरा रिश्ता इतना, तूने ये क्यों? वो जो आंसू निकलते हैं ना वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पर बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फलकियात के बड़े माहिर थे, तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है।
कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उसे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है, तो आला हजरत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए ना बेचारे, ये अड़ी गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ घड़ी पे, कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया, कहने लगा 4 बज गए, फरमाने लगे बज गए ना 4, कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है, फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बालक, कहने लगा जी वो तो ठीक है पर महीना नहीं हो सकती, अड़ा हुआ बंदा उसका कोई इलाज है, जो अड़ जो जाए, उसके लिए कुरान कहता है उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जान और तेरा, कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना, फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही, वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहां से लिया है, फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेकर निकल गए, आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की, कितने लोग हैं? एक, और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है, और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए, और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फपतियां उड़ा रहे हो मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हाँ, हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की जियारत की है। लेकिन यहां तो खैर ये उन्मान नहीं, वरना मैं इस पर जाता। हाय, तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, और आपको भी खबर तो होती है ना जी, जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहां जाके सेट हो रही है, पता चलता है ना, उसे भी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए, मजमे के अंदर खड़ा है और इधर वाले को भी इस्तिगफार, देखो इधर वाले को भी पता ना चल जाए, और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तोहीन जब्त गम ना हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, हुजूम में गम में भी तोहीन जब्त गम ना हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहते अल्लाह तू तो माफ करने वाला है ना, तू तो माफ करता है, पर्दा पोशी करता है, और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर देगा, या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी, मालिक तू माफ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ करते, ए अल्लाह ये मेरी खूबियां भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात, मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया निकलते हो करें निकलते, फिर तड़पा खुदा बंदा मुझे बेआबरू ना कर, ये जिल्लत और रुस्वाइयां ये नहीं बर्दाश्त होती, अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया निकलता है या मैं फिर उसका नाम लू, अल्लाह से पूछ के नाम लू उसका, बताओ कौन है। अब तो तड़प गया, कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूं, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए बंदा कोई भी नहीं निकला, रब करीम ने बारिश अता कर दी, तेज बारिश जब बरसी ना तेज बारिश, लोग तो मी देख के दौड़ गए, तो हजरत मूसा कहने लगे या अल्लाह मुझे भी तो बता, तूने कहा था कि जब तक बंदा नहीं निकलता बारिश नहीं होगी, तो निकला कोई भी नहीं, बारिश हो गई, माजरा क्या है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बस उसने मुझसे सुलह कर लिया,
उसने मुझसे सुलह कर ली। और इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे, हजरत मूसा ने पूछा, हालांकि अल्लाह अपने नबियों को गैब के खजाने देता है, पूछा कि अल्लाह मुझे उसका नाम बता दे, तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया, जब पापी था तब नहीं बताया, जब मुजरिम था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं। फरमाया उसकी मेरी सुलह हो गई है, और फरमाया जो बारिश नहीं ना हो रही थी वो भी उसकी वजह से नहीं हो रही थी, अब जो हुई है ना तो ये भी उसी की वजह से हुई है, ये बारिश अब जो हुई है तो ये भी इस गुनाहगार के सबब से। अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारे, मुसल्ले पे बैठे। मेरे असहाब रहमतुल्लाह अलैह से जब को कहता ना कि बड़ा परेशान हूं तो कुछ बताएं, तो फरमाते आज रात मुसल्ले पे बैठ के अपने रब से बात करना, मैं भी बात करूंगा। बंदों को दुख बताने से इज्जत में कमी आती है, और अगर अल्लाह को बंदा अपने दुख बताए तो अल्लाह इज्जतें बढ़ा देता है। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अगर तू दुनियादारों को दुख बताएगा तो अल्लाह तुझे गनी नहीं करेगा, और अगर तू अपने रब को बताएगा तो अल्लाह बड़ी जल्दी तुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से करें, ज़ौक से करें, मुसल्ला आबाद रखें। हर शय देखो ना, जिस तरह खाने की मेज आबाद रहती है, बिस्तर आबाद रहता है, हमारे दीगर मामलात, अगर मुसल्ला ना आबाद रहे तो रूह बेचैन रहती है, तबीयत बेकरार रहती है। इंसान मैंने देखा है बड़े बड़े समझदार लोग पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसे किसी को कोई खबर कि 6-6 फोन उठाए हुए हैं, ऐसे जैसे डिस्टर्ब हो गए मेंटली तौर पर। वजह क्या है कि इनसे जान नहीं छुड़ाते, कभी सारे मोबाइल बंद करके ना, सारे बच्चे हर चीज साइड पे करके मुसल्ले पे भी आना चाहिए। और मालिक तो बड़ा ही करीम है, अल्लाह तो बड़े कंजुल माल की हदीस सुना के बाद समेटता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था बनी इसराइल में, बड़ा मालदार था, तो फिर उस पर गुर्बत आ गई, जब गुर्बत आई तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मैं गरीब हो गया हूं, मेरी मदद फरमा, मैंने बड़ी नाफरमानी की है तेरी। मालदार जब था तो बड़ी मौज कर, अल्लाह मैंने बड़ी ना, अब नहीं करूंगा, मुझे 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 इस गुर्बत से निकाल। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि दे दो जो मांगता है, तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये तौबा करके नहीं आया, डर के नहीं आया, ये तो उलझ गया तब आया है, ये तुझसे डर के होता है ना ऐसे कि लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना गुर्बतों से माज अल्लाह डरते, या अल्लाह ये तो वो उलझ गया तब आया। तो अल्लाह ने फरमाया पता मुझे भी है लेकिन आ तो गया है ना, चलो दे दो। तो कहा या अल्लाह अगर दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा, फरमाया इसका भी मुझे पता है तुम दे दो। उसे दे दिया, जब दौलत मिल गई ना तो कहने लगा ओहो वो तो मैंने इस तरीका सही इस्तेमाल किया इसलिए कामयाब हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर उलझ गया, फिर कर्जे चढ़ गए, फिर सारे इलाज कर, कहने लगा या अल्लाह अब नहीं करता, अब माफ कर दे। 70 दफा तौबा की और 70 दफा तोड़ी। हबीबे करीम फरमाते एक दिन बिस्तर पे था, आसानी थी, 70 दफा फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये झूठा है, झूठ बोलता है, ये तो गुर्बत है, ये तो तेरी बारगाह में आया वरना कभी ना आता, बीमार हुआ है तो आया, इसका तो बच्चा बीमार हुआ है तो आया वरना कभी ना आता। 70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी, आसानियां भी थी, दिल में ख्याल आया मैं कितना झूठा हूं, जब उलझ जाता हूं तो उसके दरवाजे पे जाता हूं और वो कितना करीम है, मुझे खाली नहीं लौटाता, तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो मामूल फरमाते अल्लाह फरमाते हमने इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करूंगा। इस्तिग़फ़ार करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। जिस तरह सारा कुछ छोड़ छाड़ के लोग कहते ना कि एक महीना मैंने किसी सियाहती मकाम पर रहना है, मैंने अब किसी ठंडे इलाके में चले जाना है, बर्फबारी देखनी है, सैर करनी है, 10 दिन की छुट्टियां वहां गुजारनी है, चलो 7 छुट्टियां वहां गुजार लो, 3 दिन अपने अल्लाह के साथ गुजारो, रोजे रखो दिन को, रात को कुरान शरीफ पढ़ो, तिलावत कुछ वक्त दो अल्लाह के साथ, हुजूर पर दुरूद और सलाम भेजने के लिए, नबी पाक की नात के लिए, अज़कार के लिए, बुजुर्गों के लिए, फिर देखना अल्लाह रूह को कितना सुकून देता है। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।